बात है झगड़ी कुछ तो बोल रही हो कहा तुम्हें जाने का है चले जाओ मैं दिमाग सब खो गया चला घर से गाइस तरकारी यहां है सामान यहां है मैं यहां हूं और शे यहां ए अर्शिया रुक सी अभी डिफरेंसेस नहीं दिखता है तुम्हाको रुक सी यार अर्शिया का मसा में कचरा है मसा में कचरा है अभी राशन लाना चाहिए राशन लाना है कौन से रूम में जाना करते मम्मी वो रूम में नहीं जाना करते साफ सफाई भी तो करूंगा मैं पानी नहा के हूं अर्शिया मेरे तो मालूम उसको जो भी पानी नहा के साफ सुथरे रहते ना उन लगे चंदर अलाव रहते जहाँ पे उन्हें धो देती तो मैं पानी नहा के हो गई मेरे हेयर अभी भी कच्चे कच्चे तो मैं अंदर जाने का अलाउ है मम्मी पानी नहा के तुम चल झूठा गाइस फाइनली मेरे को ना अंदर का बुलावा आ गया मालूम है अर्शिया परमिशन दे दी कि मैं ब्लश लगा लूं एक्चुअली ना मैं व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूं और व्लॉग स्टार्ट करने के वास्ते पैरा घस लेते हुए नहीं जाती पावा साथ चपक चपक नहीं तो एक ता एक उंगलियों पे चढ़ के जाती उंगलियों पे चलने के तो जाओ टीसी से वो कपड़े पहन के बोल के गाइस इसको फील हो रहा होता इच्छे नको गाइस अगर इन्हें थोड़ा सा ऐसी मतलब घर का काम कर रही है ना तो इसको मैले कपड़े पहनना अच्छा दिखता राइट हाय हाय गाइस फाइनली मैं कमरे में आ गई थोड़ा हैंड वॉश करती हूँ थोड़ा सा टचअप करके अपन इंट्रो स्टार्ट करते हैं ओके चलो सो हेलो गाइस इट्स मी लवली खान यू कैन कॉल मी रुक्सिया आल्सो सो वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज का व्लॉग है मिलादुन नबी सीरीज का पार्ट टू इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि छोटे 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 पार्ट करके आप खुद बताओ क्योंकि आप भी हमारे साथ मिलादुन नबी सेलिब्रेट करें और हमारे पास कैसा सेलिब्रेशन होता है वो भी आपको मैं बता सकूं थोड़ा बहुत ही बता रही हूँ गाइस व्लॉग बहुत लंबे लंबे हो जा रहे हैं एक दिन का व्लॉग भी 20-20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे हो जा रहे तो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है एडिटिंग करने में बट मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताओ आपको व्लॉग जिससे आपको भी देखने में मजा आए और मुझे अच्छा का था डब्बा ये गलती से मेरी अलग अलग उससे फटी फटने से मेरा हो गया समझ रहे हो आप समझ रहे हो गलती से पाटने की वजह से मम्मी का हो गया हाँ। अगर अच्छे से पाटते तो मम्मी को नहीं होता था इसका मजा तो छुटा नहीं अच्छा अच्छा चली नीचे अबे साले और यहाँ बैठे बैठे छेड़ रहे देखो पानी बोल के अम्मी उन्हें नहीं देती पानी तुम्हारे तो गाइस मैंने बोला था कि जब अर्शिया घर सदरती अर्शिया घर धोना स्टार्ट करती ना तो हम लोग को पूरों को बाहर निकलना पड़ता गाइस तो सेम सिचुएशन आज की है क्योंकि मुझे आज या कल सुबह होप टू शूट करना है तो अर्शिया आज ही पूरा ले लेके बैठी हुई है अच्छा था अर्शिया हाँ ये एक दिन गाइस ये एक दिन अच्छा रहता दूसरे दिन काशिप के काम खत्म अभी मैं फर्दर बताते रहती हूँ गाइस हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आप बस देखते रहिए प्रिंगल्स खा रहे देखो हम लोग फ्लेवर ये वाला है आपको एक बताएंगे इन्हें अब काशिप भी चढ़ गया कहाँ पे ओके काशिप गाली साफ कर रहा ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो यस गाइस मैं बहुत लेट के बाद आई हूँ मैं मानती हूँ आज मम्मी एक नया वर्ड सीख रहे कौन सा वर्ड अम्मी बोलो स्टिचिंग स्टिचिंग एक्चुअली ना मम्मी ना स्टिचिंग को टीचिंग बोल रहे थे तो मैं सोची कि मम्मी को सीधा सीधा क्रोम लगा के दे देती हूँ और उन्हें बोलते रहती अम्मी सीख लेते इसकी आवाज स्टिचिंग स्लो बोल रही देखो अपने स्टिचिंग तो गाइस जब मम्मी सीख लेते ना आपको मैं पक्का बताती हूँ और अभी मैं ये झाड़ा डाल के इसीलिए हूँ क्योंकि आपको थोड़ी देर के बाद मालूम होता अभी बोले तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती गाइस ऐसा आप लोग सीख सकते हो इंग्लिश मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी भी कभी कभार ऐसे ही सीख लेते हैं अगर कुछ भी वर्ड अगर समझो इसका वर्ड मेरे को इंग्लिश में सीखना है बोलते तो वो इंग्लिश में सीखते और हमेशा याद रखते तो उस बात के लिए मम्मी को प्राउड ऑफ यू बोल सकती हूँ मैं स्टिचिंग स्टिचिंग
A few minutes later. Guys, हम लोग ये नूडल्स खा रहे गाइस आज रात में डिनर में. वो मंचूरिया है, ये चिकन नूडल्स है, ये वेज नूडल्स है, ये हम और एक आशिफ भुक्कड़ है जो बैठ के खा रहा, देर देर कर रहा, पेट पूजा करते. अर्षा अभी तक भी काम पे लगी हुई है गाइस, उसको नहीं बोल सकते हम लगा कुछ भी. तो खाते है और आपसे मिलते है, ओके. हमला बोले काशिप को थोड़ा कैबेज कम डाल के लेके आ रहे भाई बोल के बोले, तो उन्हें पूरा प्लेन ही ले लेके आया. Oh yes, finally guys, मम्मी स्टिचिंग वाला वर्ड सीख लिए, उसका तो आपने देखा होगा. तो अब क्या टाइम हो रहा है मालूम है? एग्जैक्टली कैसा बोलूं आपको, कुछ पौने दो कुछ हो रहे होंगे, मतलब 1:30 हो रहे. सॉरी गाइस, टाइमिंग मिसमैच हो रही है. सो 1:30 हो रहे हैं. तो 1:30 के टाइम पे, ये टाइम पे सोना चाहिए आपको, ऐसा लग रहा होगा राइट, ये सोना ही चाहिए था. बट कल मिला दे, मतलब परसों फातिया रहती बट कल मिला दे. तो कल का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है और कल के मेरा स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा है. देखिए मुझे बहुत सारे काम करने का है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक दो घंटे वेस्ट होता ही होगा, मगर कि आज जो जो भी प्लान करे थे हम लोग कर लेंगे. तो हम लोग ये वॉल को एकदम से डिफरेंट कर देंगे. मैं आपको फोटो डालूंगी इसके बेसाइड, आप मेरे को एग्जैक्टली ये वॉल कैसी चाहिए. चाहती हूँ कि मेरे मिलाद पर मेरा घर ऐसी लगे, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो मिलाद का डेकोरेशन करने के लिए. और ब्लॉग पे हम लोग ने ये स्टार वाले लाइट्स लिए थे, इसमें मून की भी लाइट चाहिए थी बट मून की लाइट नहीं मिली हम लोग को. इस वाला है स्टैंड, वो हम लोग बाद में देखेंगे होगा. इसको बैकग्राउंड को हम आपको ये चाहिए ये, और इसमें ना कुछ फ्लावर पॉट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, भी खोलूंगी तो तब बताऊंगी. ऐसा भी नहीं है कि ये वन डे बिफोर प्लानिंग थी, नहीं, मैं ऑलमोस्ट 15 डेज से प्लान कर रही थी क्योंकि मुझे हर चीज ऑनलाइन परचेज करनी थी. सिर्फ चाहे उससे वो स्टार वाले लाइट्स हम लोग ऑफलाइन ले लेंगे बोल के वहां पे थोड़ा सा माइनस हो गया, वरना मैंने ना हर चीज ऑनलाइन मंगाई थी. तो ये ब्लॉग थोड़ा सा ये रहेगा कि हम होम डेकोर करेंगे गाइस. मैं फ्लो में तो ना ये वॉल डेकोरेट करने के लिए जाली तो ले लेके चले गई थी, बट मैंने दिमाग में एकदम से तंग बोला कि ये जाली में लगाऊं कैसा दीवार पे. तो मम्मी आके बोलते हैं, मम्मी ये दीवार को कैसा चिपकाना, ये दीवार को कैसा लगाना, व्हाइट वाला दीवार को बैकग्राउंड कैसा यूज करना, प्लीज मम्मी आप ऑडियंस को समझाइए. अब देखेंगे देखो क्या क्या आप कैसा कैसा करेंगे. देखेंगे नहीं, आपको क्या करेंगे तो पुरान तो सही था. सो यस गाइस, हम इसके अंदर डालेंगे सुई के अंदर, आपको होल दिख रहा होगा राइट. वाओ सुई का होल भी दिख रहा, अब मुझे दिख जाए बस. ये इसमें आपको जरा क्लोजअप पे बता दी कि मम्मी एक्चुअली कर रहे क्या. ओके, क्या कर रहे मालूम है? जैसे कि घर में सीते थे तो उसमें इतना होल डाल देते जिसमें पाइप, हाँ, जैसा पाइप अंदर जा सके तो पर्दे टांग सके. तो मम्मी एग्जैक्टली वो इच कर रहे ना मम्मी. तो देखो गाइस, तो इसके अंदर से हम लोग वो डालेंगे, नाड़ा डालेंगे. मीशो से लिए, देखो गाइस. तो ये हम लोग इसको हैंग करेंगे, एक सपोर्ट नहीं करेंगे आई थिंक सो. तो मम्मी बोल रहे दो दो लगाएंगे हम, और बीच में ऑलरेडी क्या बोलते हैं कीले है, तो उस रीजन की वजह से शायद 4 इज इनफ, दो उधर साइड दो इधर साइड. के टाइम पे ये जो डेकोरेशन के लिए लगाते देखिए वही वाला है डेकोर के लिए, तो ये बहुत ज्यादा ये फंस गया. बड़ी वाली रिबिन है और वो हम यही यूज करेंगे पर्दों के अंदर नाड़ादानी के हिसाब. बताओ ओफो, मम्मी का कैलकुलेशन देखो गाइस, उतना कोने में तक आ रही जाली. हाँ कोने में तक लाना छोटा कैसे ये और एक
A few moments later. So yes guys, finally हम लोग background setup कर दिया. आपने देखा होगा कैसा setup करे हम लोग, like बीच में से सी के उसके अंदर ribbon घुसा के then hang करे and ये last में उधर corner और इधर corner पे हम लोग ये जो चांद order करे थे मैंने last video में बताया. So guys हमने देखा कितने प्यारे दिख रहे माशाल्लाह. आप सोच रहे थे होंगे ये मैं बेल कहीं को ली थी, अब समझ में आ गया होगा आपको, ये डेकोरेशन के वास्ते ली थी और मैंने जो फोटो बताया उसमें भी बेल है. तो ये बेल लगाने से एकदम मिलादुन नबी का एकदम वो वाइब आ रहा था, तो मैंने सोचा ये बेल भी लगाते हैं. इससे अब जैसा वो है सुई से एक दो दो टाकती है तो खत्म हो जाता है. सो गाइस आप देख सकते हो मम्मी ऐसा सी रहे. मम्मी सीए जा रहा नहीं गिरता नहीं. ओ यस गाइस अभी हम लोग ऐसा बेल लगाने के बाद अब तो ऐसा दिख रहा, अभी भी थोड़ा थोड़ा प्लेन दिख रहा. अभी मैं लाइट्स लेकर आती हूँ. हाँ उसमें से वाइट निकालना गाइस. काशिप आ गया घर को और काशिप की हालत ढीली है जैसे कि उन्हें पूरी मेहनत करा जैसा. ये लगा बोल, ये दोनों मिक्स होके आ रहा था ना मम्मी. पहले ये लगा दे उसके गाइस. गाइस ये जो लाइट सीख रहे ना जितने अच्छे है ना उतने डिफिकल्ट है मालूम है. गिच्ची 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 है. मे बी शायद हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं हो रहने की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी उसको असेंबल करने के वास्ते. तो अभी लेट्स ट्राई कर रहे हैं. गाइस ये लाइट्स को करना नामुमकिन है, ना मुश्किल है. बाप मुश्किल से हो रहा हूँ जितना हुआ हो मुश्किल से हुआ. आखिर में तो मैं गिचड़ करके रख डाली. कुछ भी वागा नहीं, मेरे को खत्ता पसंद नहीं आया गाइस. आई डोंट लाइक दिस. पूरा ऐसा दिख रहा है वो गाइस पूरा वायरों का गिचड़. मैं ये भी लाइटा डाल दो, ये भी लाइटा डाल दे रे. सच्ची में अभी फुल दिखता. लाइक सब कर रहे तो ए बच्चे ले ले इधर कनेक्शन. गाइस को हंस के बता रही व्लॉग में आ गया. दीदी प्लीज रखो दी. आई एम रिक्वेस्टिंग दीदी, देती हूँ मैं खींच के. लोगों को भी मालूम बना दीदी मम्मी ऐसे है बल्कि. गाइस देखो वाइट काला वाइट काला. वाओ गाइस ये देखो डिस्को डिस्को बोले सारी रात सचना. देखो गाइस या लंबा मत छोटा. उधर लंबा ये चारों है हम लोग. मैं वो सबसे छोटी. अब अर्षा को बड़ी कर रहे गाइस. लल्ले रे अर्षा को बड़ी कर रहे हैं. अर्षा इतने बराबर बराबर आप लोग को ये ट्राई करना है तो मत करो. रिकमेंडिंग यू डोंट ट्राई दिस. सो गाइस मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी. टू हाई बट रिजल्ट ये मिला गाइस. थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट हो रहा. मैं साफ करते करते मालूम है क्या टाइम हो गया बताती हूँ मैं आपको. चार बज गए गाइस ये बैगन की लाइट के चक्कर में. A few inches later. इतनी बड़ी गलती हो गई गाइस हम लोग से. Tomorrow. हम लोग गाइस इतने फ्लावर्स लिए. यहाँ पे रोज भी है. ₹20 के बहुत ज्यादा हो जाते हैं. किलो आ रहा ₹50 किलो है.
ले लो, कितने हो गए? 300 रुपए था रमजान में, 50 रुपए किलो। वाओ, चलो ग्रीन है कि नहीं? मिक्स में नहीं चाहिए, ये ले लेंगे ना तो ग्रीन नहीं रहने से अच्छा तो रहना अच्छा है। गाइस यहाँ पे काशिफ कोपरा खसरा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काटे मैं और अर्शा दोनों मिलके काटे। Yes guys, after a long 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 time, मतलब बहुत ज्यादा घंटे हो गया होगा, कल रात में शूट करी तो आज आई हूँ मैं आपके सामने। ये सुबह से बहुत ज्यादा हेडेक स्केड्यूल था मेरा, मैं बहुत सारे जगह पे गई थी तो मैं वहां का व्लॉग शूट नहीं कर सकती थी। घर को आने के बाद 4 बज रहे थे और मैं आते कि आप देखा होगा कि मैंने बलून्स का काम किया। बलून्स का काम करने के बाद ड्राई फ्रूट्स काटे, ड्राई फ्रूट्स काटने के बाद अभी फूलों का भी करी, एक आधा घंटा सो भी गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। और आपको तो पता चल गया होगा कि हमने कौन सा बिगाड़ा था, रात में बैठ के पूरा चौपट कर दिया था हमने, अच्छे खासे लाइटों को खराब कर दिया। गाइस आई एग्रीड, आप लोग का कमेंट करके जरूर बोलोगे। अब लगाने के बाद रात में सोते समय हम लोग को थोड़ा सा ध्यान आया कि एक बार यूट्यूब तो खोल के देखेंगे कि ये लाइट कैसा असेंबल करना है। जब जाके समझ में आया कि हमने कितनी फालतू चीज करी है और वो जब वो लाइटों को देख रहे ना उतना ज्यादा अफसोस हो रहा। तो मम्मी बोले कि ठीक है चलो होता है, हम इंशाल्लाह फिर कभी ले लेंगे, मतलब फिर कभी मतलब कभी जरूरत पड़ी जब ले लेंगे। चोके अब जैसा चल रहा वैसा चले दो बोल के मैं भी खामोश बैठ गई और उसको ठीक कर भी नहीं सकते। अर्षा क्या बोली थी मालूम, जाके अपन दुकान वाले को दे देंगे तो दुकान वाला तो हाथ जोड़ के बोलता कि आप ये ले लेके जाओ या ना तो मैं नया लाइट दूंगा, बट मैं इसको असेंबल नहीं कर सकूंगा। अगर आप ऐसे लाइट्स खरीद रहे हैं तो पहले मेरा व्लॉग देख लो गाइस। अगर ये व्लॉग देखने से पहले, अगर आप व्लॉग चाहे यूट्यूब का वीडियो कौन सा भी एक देख लो, अगर देखने से पहले अगर वो लाइटों को खोले ना तो खत्म, आपका भी ऐसी चौपट होने वाला है और रात पूरी नींद हराम होने वाली है। रात में बैठ के पूरिया खीर ये सारी चीजें बनाते और कल सुबह फातिया देते तो मैं शायद सुबह तक नहीं लूंगी व्लॉग हो सका। तो मैं सोची थी कि चलो मैं बताती हूँ आपको, बताते बताते करती हूँ, कहीं को बोले तो एक जगह ठहर के नहीं होता ये बात करना मेरे से। एक बगाड़ दिए, बगाड़ दिए भी ड्राई फ्रूट्स के साथ बगाड़ दिए दाल। ये चोवा काशिप बड़े मेहनत से इसमें हम लोग पूरे ड्राई फ्रूट्स क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, खोपरा और शक्कर ये सारी चीजें मिक्स कर दी है। गाइस ये मेरा आउटफिट है, एक्चुअली मम्मी को ना दोपहर के टाइम से ना पेट में दर्द हो रहा, इतना पेट में दर्द हो रहा कि उनको कुछ भी हाथ नहीं हो रहा, आप ब्लीम नहीं करते गाइस। ऐसा पहला ईद है जो मम्मी सिर्फ मेरे से ये नहीं होता, मेरे से नहीं होता, बट फिर भी मम्मी कोशिश कर रहे हैं हम लोग की मदद करने की। मम्मी बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम से रेडीमेड मंगा लेंगे तो। वो कहीं को हाथ नहीं हो रहा मम्मी, क्या रेडीमेड बनाएंगे अब वो खराब हो गई तो नहीं लगा लेते अब तो तुम्हें किधर जाते कल डब्बा नहीं ला सकते अम्मी। ये पूरा दाल दर्शी है मंगाएंगे तो सो येस गाइज, अभी अभी पूरियों की तैयारी करना है तो मैं सोची आपको थोड़ा सा क्विक बता दूं कि मैं क्या क्या लेकर बैठी। तो ये है गेहूं का आटा है, इस पर आप कच्चा कपड़ा डालना चाहिए, ये एक्चुअली बहुत साफ कपड़ा है, ये कच्चा रहने की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो ये गेहूं का आटा है जिसमें डालडा भी डाला, दूध भी डाले, नहीं डाल इसमें दूध भी डाली और पानी भी डाल के इसको मिक्स करके ऑलमोस्ट एक आधा घंटा रखे हम लोग। दूध भी है, पानी भी है और डालडा भी है और ये कपड़ा बिछा डाले हम लोग क्योंकि पूरे पूरियां यहाँ डाल सकते हैं बोल के, और ये चोबे की ये स्टाइल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सॉरी, दाल की पूरी का ब्लेंडर मिक्सर कुछ भी बोल दो आप। Two.
सो गाइस, आप देख सकते हो सुबह के 5 बजे और मैं अब आई घर को। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप डाला था कि मैं कहाँ गई थी। काशिफ और मैं, हम दोनों वहाँ पे गए थे क्योंकि बारफा सीरीज से ऑब्वियसली आज अपलोड करें तो फिर देन कल होम टूर का भी ब्लॉग है और बारफात का ब्लॉग है। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट बारफात की सीरीज में, मतलब नेक्स्ट बारफात एपिसोड 3 में मिलते हैं आपको। जब तक खुश रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और ये व्लॉग कितना रिलेटेबल दिखा आपको ज़रूर बोलना, और हमारी स्टुपिडिटी जो लाइट के रिलेटेड थी वो भी ज़रा हंस के कॉमेडी बोल के लिख देना। या गाइस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। एंड सबको हैप्पी मिलादुन्नबी, क्योंकि आज ही मिलादुन्नबी है और आज आप लोग व्लॉग देख रहे हो, सभी को हैप्पी मिलादुन्नबी। सब खुश रहिए और सब मुझे अपने स्पेशल दुआओं में याद रखिए, और ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।